अंडरग्राउंड जादुई अलमारी। रसूलपुर नगर में जमींदार माणिकचंद की बहुत बड़ी हवेली थी। पुश्तों से उनकी जागीरदारी थी। पहले उनके दादाजी फिर पिताजी जमींदार थे। उनके जाने के बाद माणिकचंद ने सब कुछ संभाल लिया था। भरा पूरा परिवार था। जब से जमींदारी खत्म हुई तब से आय का कोई मुख्य साधन नहीं रहा। रखा हुआ पैसे कितने दिन चलता। बेटा सूरज भी इतना काबिल नहीं था कि नौकरी चाकरी कर पाता। जमीनें बिक चुकी थी, घर की हालत खस्ता थी। माणिकचंद सज्जन व्यक्ति थे, इसीलिए गांव के लोग उनका सम्मान करते थे। एक दिन उनकी पत्नी उर्मिला ने कहा, इतनी बड़ी हवेली है, चलिए इसको किराए पर उठा देते हैं। कुछ किराया आ जाएगा तो हमारी दाल रोटी का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है, हवेली हमारी है, हम कुछ भी करें, हमें लोगों से क्या लेना देना। माणिकचंद के एक दोस्त विक्रम बाबू कलकत्ते से किसी काम से आ गए थे। उन्होंने उनसे सलाह ली। उन्होंने कहा, वो तो ठीक है, पर हवेली की थोड़ी रंग रोगन करवा देते तो अच्छा किराया मिल जाता। माणिकचंद ने दूसरे दिन से ही काम लगवा दिया। उस दिन जब मजदूर काम करके चले गए तब उनकी पत्नी उर्मिला घर पर चीजें पड़ी हुई थी उन्हें संभाल रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि कोने वाले भंडार गृह में बड़े वाले संदूक के पीछे एक छोटी सी अलमारी थी। इतने बरसों में आज पहली बार उन्होंने वह अलमारी देखी थी। कभी संदूक वहां से हिलाया ही नहीं गया था। अलमारी खोलते ही उसमें एक दरवाजा था। उर्मिला भागकर अपने बेटे सूरज को बुलाकर लाई और बोली, जरा मेरे साथ चलकर उस अलमारी के भीतर बने दरवाजे में रोशनी दिखाओ, मैं नीचे जाकर देखूं कि वो दरवाजा किस कमरे का है। सूरज तुरंत टॉर्च लेकर आया। उन दोनों ने जैसे ही छोटा दरवाजा खोला तो देखा उसमें सीढ़ियां थी जो नीचे की तरफ जाती थी। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर गए। वो सीढ़ियां एक बहुत बड़े हॉल में जाकर खत्म हो गईं। उन्होंने देखा हॉल पूरा खाली था, पर उसमें एक कोने में एक लोहे की अलमारी थी। उन्होंने जैसे ही अलमारी खोली उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पूरी अलमारी सोने और हीरे जवाहरात से ठूस ठूस कर भरी थी। तभी सूरज की नजर एक लाल रंग के मखमली कपड़े में लिपटी किसी चीज पर पड़ी। उसने खोला तो देखा उसमें एक पत्र था। उन दोनों ने अलमारी बंद कर दी और वह पत्र लेकर माणिकचंद के पास आए। माणिकचंद बिस्तर पर चिंता मग्न बैठे थे। दोनों को अचानक कमरे में देखकर बोले, क्या बात है? उर्मिला ने कहा, ये पत्र पढ़िए। माणिकचंद ने पत्र पढ़ना शुरू किया जिसमें उनके दादाजी के हाथ से लिखा हुआ था, प्रिय पुत्र, अब अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। कब हमारी जमींदारी छीन ली जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। मेरे पास जितनी धन दौलत थी मैंने और तुम्हारी माँ ने इस अलमारी में भरकर ऊपर से संदूक रख दिया है। ये तहखाना कभी अपने परिवार की जान बचाने के लिए बनवाया था, कभी तुमसे बताने का मौका ही नहीं मिला। अंग्रेज चले गए, जमींदारी छिन गई, अभी हमारे पास बहुत जमीन जायदाद है। हमारी अगली पुश्तों के लिए वही पर्याप्त होगा। अमरचंद। माणिकचंद की सांस थम गई। उन्होंने कहा, इसका मतलब ये पत्र मेरे पिताजी को लिखा गया था और उन्हें कभी मालूम ही नहीं हुआ। तुम लोगों को ये पत्र कहाँ मिला? उर्मिला ने उन्हें पूरी बात बताई। माणिकचंद भी जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर अलमारी के पास पहुंच गए। इतनी धन दौलत देखकर आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उन्होंने बहुत सारे सोने के सिक्के निकाल लिए, अलमारी एक कंबल से ढक दिया। तहखाने के दरवाजे पर ताला लगाकर माणिकचंद ने चाबी अपनी जनेऊ में लटका लिया। दूसरे ही दिन
सूरज ने सिक्के बाजार में ले जाकर बेच दिए। पूरी हवेली को रंग रोगन करवाया। धीरे धीरे सोना निकाल निकाल कर बेचते रहे। लड़का भी बहुत ठोकर खा चुका था। उसने जमीन खरीद कर बेचने का काम शुरू किया। दिन बड़ी तेजी से बदल गए। एक दिन विक्रम बाबू कलकत्ते से किसी काम से आए थे। घर के बदले हालात देखकर उन्होंने कहा, लगता है कोई लंबा हाथ मारा है। माणिक चंद्र मुस्कुराए और बोले, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटे, सूरज का जमीन का काम ठीक ठाक चल गया है। विक्रम बाबू घाट घाट का पानी पी चुके थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिदमतगार थे। उनके गले से यह बात उतरी नहीं। माणिक चंद्र की हवेली में ही कई दिनों तक टिक गए। एक दिन सूरज को कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी तो वह माणिक चंद्र के पास तहखाने की चाबी मांगने आया। कुछ जमीन खरीदनी थी। विक्रम बाबू नजर बचाकर सूरज के पीछे पीछे चल दिए। संदूक के पीछे छुपकर बैठ गए। जब सूरज दरवाजे से निकलकर ताला बंद कर रहा था, तभी उनकी नजर सोने चांदी से भरे झोले पर पड़ी। वो समझ गए कि जरूर इस दरवाजे के अंदर कोई खजाना है। चुपचाप वापस आकर माणिक चंद्र के पास बैठ गए। मन ही मन एक योजना बनाई। माणिक चंद्र के सो जाने के बाद विक्रम बाबू ने उनकी जनेऊ से चुपचाप चाबी खोल ली और तहखाने में उतर गए। उन्होंने अलमारी को जैसे ही हाथ लगाया, अलमारी चीख पड़ी, चोर चोर चोर। उसमें से दो हाथ निकले और विक्रम बाबू को जकड़ लिया। उर्मिला और माणिक चंद्र तहखाने की तरफ भागे। जाकर देखा तो विक्रम बाबू अलमारी के निकले मजबूत हाथों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। माणिक चंद्र बोले, तुम और यहाँ? विक्रम बाबू बोले, अरे मुझे माफ कर दो माणिक, एक बार मुझे इस अलमारी से छुड़ा दो, मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी गई थी। ये अपनी चाबी मेरी जेब से निकाल लो। माणिक चंद्र जैसे ही विक्रम बाबू को हाथ लगाया, अलमारी ने अपने हाथ वापस खींच लिए। विक्रम बाबू उसी दिन कलकत्ते रवाना हो गए। दोबारा कभी रसूलपुर में कदम नहीं रखा। अंडरग्राउंड जादुई अलमारी ने अपनी सुरक्षा खुद करके सारी दौलत माणिक चंद्र के लिए बचा ली थी। माणिक चंद्र का परिवार खुशी खुशी रहने लगा। जादुई गिल्ली डंडा। बनवारी लाल के दो बेटे थे। बड़ा बेटा माधव पढ़ाई लिखाई खेल कूद और बातचीत हर चीज में अच्छा था, लेकिन छोटा बेटा संजय ना तो पढ़ाई लिखाई करता था और ना ही खेल कूद और ना ही किसी से बातचीत करता था। उसकी माँ ललिता को हमेशा छोटे बेटे संजय की चिंता लगी रहती। जब लड़कों को कॉलेज में बुलाया जाता तो माता पिता माधव के टीचर से मिलकर जहाँ खूब प्रसन्न होते थे, वहीं संजय के टीचर से शिकायतें सुनकर दुखी हो जाते थे, लेकिन मन मार कर वापस आ जाते। एक दिन बनवारी लाल और ललिता अपने बरामदे में बैठे अपने छोटे बेटे संजय के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी अचानक एक गिल्ली खटाक से आकर बरामदे की खिड़की से टकराई। बनवारी लाल ने गिल्ली हाथ में उठाई और देखने लगे कि किसने मारा। जब झांक कर देखा तो संजय अपने हाथ में डंडा लेकर उधर ही आ रहा था। बनवारी लाल बोले, अरे ललिता, आज तो हमारा संजय गिल्ली डंडा खेल रहा है। वो देखो, हाथ में डंडा लिए हुए ऐसे आ रहा है जैसे सैनिक अपने बंदूक पकड़े हुए सीना तान कर चलता है। ललिता भी भाग कर देखने लगी। उसने रुआंसा सा मुंह बनाते हुए कहा, वो खेल भी चुना तो क्या, गिल्ली डंडा? अरे फुटबॉल कबड्डी क्रिकेट जिसे खेल खेलता तो कुछ बात होती। बनवारी लाल ने कहा, अरे ललिता, अभी तक तो वो कोई खेल नहीं खेलता था, आज गिल्ली डंडा खेल रहा है तो हो सकता है कल को किसी और खेल में भी उसकी रुचि हो जाए और दूसरे खेल भी खेलने लगे। जब बच्चों के साथ खेलेगा और मिलेगा जुलेगा तो
बातचीत भी करने लगेगा और पढ़ाई लिखाई भी ढंग से करने लगेगा। इतना हताश होने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी तुम अपने बेटे को विलायती खेल खेलने को क्यों इतनी उतावली हो? गिल्ली डंडा भारतीय खेल है। अरे हमारे जमाने में तो हम सुबह सुबह ही पेड़ के ऊपर चढ़कर टहनियां तोड़ने में लग जाते थे और काट झाट कर ऐसी गिल्ली बनाते थे कि आहा, डंडा क्या हाथ से भी फिसल जाती थी। वो भी क्या दिन थे। खेलने दो उसे, धीरज रखो। ललिता बोली, ईश्वर करे ऐसा ही हो। यह कहकर उसने अपनी भर आई आंखें पोंछ ली। उस दिन के बाद से संजय रोज कॉलेज से आकर चुपचाप खेलने निकल जाता। उसके 3-4 दोस्त भी बन गए थे। एक दिन उसने डंडे से गिल्ली को मारा और गिल्ली जाकर बहुत दूर एक पुराने कुएं में गिर पड़ी। वो अपने दोस्त अजय के साथ खेल रहा था। अजय उसके ऊपर चिल्लाया और बोला, मेरी गिल्ली लाकर दो। संजय ने कहा, अरे मैं कैसे ला सकता हूँ, वो तो कुएं में गिर गई। अगर दुकान पर मिलेगी तो पिताजी से कहकर मंगवा लूंगा। अजय बिल्कुल अड़ गया कि मुझे मेरी गिल्ली अभी और इसी वक्त चाहिए। अरे तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, इतनी तेज से कोई मारता है। संजय कुएं के पास बड़ी हिम्मत करके गया और झांक कर देखा तो गिल्ली कुएं की दीवार में लगी लताओं में ही उलझी थी। वो कुएं के पास लेटकर अपना हाथ डालकर गिल्ली निकालने ही वाला था कि कुएं से मधुर आवाज आई, इन लताओं को मत छूना, ये बहुत जहरीली है। वो रुआंसे स्वर में बोला, लेकिन मुझे तो गिल्ली अभी चाहिए, वरना अजय मुझे बहुत मारेगा। यह कहते कहते उसके आंसुओं की कुछ बूंदें कुएं के पानी में गिर गई। तभी कुएं में अचानक एक धमाके के साथ रोशनी हुई और गिल्ली कुएं में से उछलकर बाहर आ गई। फिर एक सुनहरी गिल्ली और डंडा बाहर आया। तब कुएं से आवाज आई, तुम घर जाओ पर ध्यान रखो, आज के बाद इधर मत आना। मैं तुम्हारे घर के पास वाले नीम के पेड़ पर रहती हूँ, बस उसी नीम के पेड़ के पास रोज कुछ खाने को रख देना। सुनहरा गिल्ली डंडा जादुई है, तुम उसे जो मांगोगे वो मिल जाएगा। उसको हाथ में लेकर कोई एक इच्छा बोलो। उसने गिल्ली डंडा हाथ में उठा लिया और कहा, मैं भी अपने भाई की तरह एक होनहार लड़का बनना चाहता हूँ। गिल्ली से आवाज आई, जाओ, तुम्हारी ये इच्छा आज ही पूरी हो जाएगी। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन कभी किसी का अहित करने के बारे में मत सोचना, नहीं तो ये तुम्हारे पास से सीधे कुएं में आ जाएगा। संजय फिर से कुएं में झांक कर बोला, आप कौन हैं? तभी आवाज आई, ये समझ लो कि मैं तुम्हारे जैसे मासूम बच्चों की सहायता करने वाली एक परी हूँ। संजय ने अजय को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन अजय कुएं से आती रोशनी देखकर ही डर के मारे भाग गया था। वो चुपचाप घर आ गया। उसने अजय की गिल्ली तो सामने ही रख दी, पर सुनहरा गिल्ली डंडा अपने कमरे में ले जाकर अपने कॉलेज बैग में छिपा दिया। सुबह जब वो कॉलेज जाने को तैयार हुआ तो उसे याद आया कि नीम के पेड़ के पास कुछ खाने का सामान भी रखना है। माँ, आज से मेरे टिफिन में एक पराठा ज्यादा रख देना, मुझे आजकल बहुत भूख लगती है। उसकी माँ ने बड़ी खुशी खुशी एक पराठा ज्यादा रखकर उसका टिफिन दे दिया। वो तो वैसे भी खाने में बहुत छिन्न भिन्न करता था। वो जल्दी से गया और नीम के पेड़ के नीचे एक पराठा और सब्जी रख दिया। तभी नीम की पत्तियां हिलने लगी। ऐसा लगा कि परी खुश होकर हाथ हिला रही थी। वो कॉलेज चला गया। उस दिन तो बड़ा ही गजब हुआ।
उसकी टीचर जो कुछ भी पढ़ा रही थी सब उसकी समझ में आ रहा था। वो अपनी टीचर से बीच बीच में कुछ कुछ पूछ भी रहा था। सच्ची सभी बच्चे उसको हैरानी से देख रहे थे। वो घर आया तो बैठकर पढ़ाई भी करने लगा। ललिता ने देखा तो बड़ी आश्चर्यचकित होकर उसके पास ही बैठ गई और बोली, बेटा क्या बात है, आज तबीयत ठीक है ना? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक है। आज तो मेरी टीचर भी मुझसे बहुत खुश थी। ललिता बहुत खुश हो गई। उसने संजय का सिर सहलाते हुए उसका माथा चूम लिया। माधव फुटबॉल खेलता हुआ कमरे से बाहर आया तो संजय बोला, भाई आज मैं भी तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलने चलूंगा। माधव पहले तो उसकी तरफ देखकर हंसने लगा और बोला, तुम हर फुटबॉल खेलोगे? लेकिन उसकी माँ के कहने पर उसको भी ले गया। जब वो खेलने गया तो अजय उसकी राह देख रहा था। वो दौड़कर उसके पास आकर बोला, मेरी गिल्ली दे दो। संजय ने अपनी पॉकेट में हाथ डालकर उसकी गिल्ली निकाल कर दे दी। फिर बोला, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है, आज से मैं अपने भाई के साथ फुटबॉल खेलूंगा। फुटबॉल खेलते समय उसने 2 गोल कर दिए। माधव तो उसका खेल देखकर तंग रह गया। जब दोनों घर आए तो बनवारी लाल भी घर आ गए थे। माधव आते ही बोला, पिताजी ये तो चमत्कार हो गया, संजय ने तो आज बहुत अच्छा फुटबॉल खेला, उसने 2-2 गोल किए। तभी उसकी माँ आ गई। आज कुछ तो ऐसा हुआ है कि संजय बिल्कुल बदल गया है। बनवारी लाल को बड़ा आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। जब वो सोने गया तो उसने अपने बैग में से गिल्ली डंडा निकालकर उसे चूम लिया। वाह रे मेरे जादुई गिल्ली डंडा, तुमने तो कमाल कर दिया। जादुई गिल्ली डंडे ने उसको पूरी तरह से बदल दिया था। वो पढ़ाई लिखाई खेल कूद हर क्षेत्र में माधव से भी आगे निकल गया था। लेकिन यह राज सिर्फ वही जानता था। वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया था, लेकिन नींद के नीचे कुछ खाने का सामान रखना कभी नहीं भूला।